आज सभी मेरे हिंदू भाइयों के सामने एक बहुत दुखद घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो कि कल रात को हैदराबाद में हमारे एक गौरक्षक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया है, जिसमें गौ माता और हमारे बैल भी थे कुछ। तो मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से, जो कि हमारे महेश भागवत जी और हमारे सज्जनार साहब और हमारे अंजनी कुमार जी से। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मगर वहाँ पर कोई भी बॉर्डर पर आप लोग रुका नहीं रहे हैं, इसीलिए हम गौरक्षकों को आगे आकर गौरक्षा करना पड़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये गाड़ी चढ़ाने का ऑर्डर किसने दिया? असदुद्दीन ओवैसी दो दिन पहले एक लेटर दे के बोला कि गायों का गाड़ियां रोका जा रहा है, हम गौरक्षक है, गाड़ियां रोकेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, आज ये दुर्घटना हुई, आज हमारा गौ भक्त अंदर जान से लड़ रहा है। अगर एक भी गौ भक्त की जान जाएंगी ना, बेगम बाजार छतरी पे उल्टा लटका के तेको तेरी दाढ़ी निकालने लगा देंगे। गौ भक्तों को क्या मामूली समझ रहा है? हम कानून के दायरे में काम करना चाह रहे हैं, हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। मगर मैं पुलिस से डिमांड करता हूँ, आप लोग चेकिंग लगाइए और लगाकर एक भी गाड़ी अंदर नहीं आने दो, क्योंकि आज हमारे गौ भक्तों का ठेस पहुँच रहा है। गौ भक्तों को ये आपकी जिम्मेदारी है, हम कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। अगर हमारे आइंदा अगर कुछ होगा तो इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा, और क्रिमिनल कुछ भी नहीं करना चाहते हम लोग। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोग मेरे गौ भक्तों का साथ दीजिए और हम सबको एक होकर इसका विरोध करना चाहिए, और कुछ भी हम वायलेंस नहीं करेंगे, ऐसे हमारी सोच है। गौ माता की जय। जय श्री राम।